नमस्कार दोस्तों, अपन कर रहे थे राजस्थान का एकीकरण, मतलब राजस्थान को हम इकट्ठा कर रहे थे और इकट्ठा करते करते अपन पहुंच गए थे, 6 चरण पूरे कर लिए थे। छठवें चरण के अंदर अपन ने सिर्फ राजस्थान संघ मिलाया था, जिसको 26 जनवरी 1950 की डेट बताते हैं। और इसी चरण के अंदर आधिकारिक रूप से अपने राजस्थान नाम दिया था। और इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आबू देलवाड़ बम्बई प्रांत में मिला दिया गया। और क्वेश्चन यही आता है, आबू देलवाड़ा किस प्रांत में या किसके अंदर सम्मिलित किया, तो बम्बई प्रांत के अंदर। और जिसका विरोध हुआ था, और विरोध हुआ था तो एक आयोग बना था, कौन सा आयोग? फैजल अली आयोग बना था। और फैजल अली आयोग नाम इसीलिए दिया गया फैजल अली का, क्योंकि ये फैजल अली नाम की अभिव्यक्ति है जो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष भी था, इसीलिए इस आयोग का नाम भी पड़ गया फैजल अली आयोग। और इसका मेन कारण था इसका विरोध का, कि जो गोकुल भाई भट्ट है, ये राजस्थान के अंदर लोगों ने कहा, सिरोहीवाड़ों ने या राजस्थान के लोगों ने कहा, हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए अपन में सिरोही राजस्थान के अंदर विलय होना चाहिए। लेकिन पटेल साहब ने इसको बम्बई प्रांत से फिर गुजरात के अंदर सम्मिलित करने का, क्योंकि ये सिरोही एक पर्वतीय क्षेत्र है और उसको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हैं, और ये गुजरात के अंदर सम्मिलित करना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विरोध चालू हुआ, तो आयोग भी बन गया। और आयोग के बनने के बाद इसको 1 नवंबर 1956 का जब दिन आया, तो सिरोही को राजस्थान के अंदर विलय कर दिया। उसी चरण को अपन कहते हैं चरणवा 7, राजस्थान का 7वां चरण। तो लगाओ पहले तो हेडिंग, कौन सा? सप्तम चरण है, सप्तम चरण। और इसी चरण का नाम सिर्फ क्या है? राजस्थान, सिर्फ राजस्थान नाम मिलेगा आपको इस चरण का। और इसकी डेट आपको है तो 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956। पहले अपने इस 56 को पढ़ लेते हैं, फिर अगर कुछ इम्पोर्टेंट है वो आगे पढ़ेंगे। इस चरण के अंदर क्या किया गया, ये इम्पोर्टेंट। इसके अंदर क्या, एक तो किया गया अजमेर का विलय, अजमेर का विलय किया गया इस चरण के अंदर। तो पहले लगाओ अजमेर का विलय, अजमेर का विलय। अजमेर को अपन कहते हैं मेरवाड़ा क्षेत्र, क्या कहते हैं? मेरवाड़ा क्षेत्र। यहाँ अंग्रेज अजमेर के अंदर हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व के अंदर सरकार बन गई थी। वहां पर कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अजमेर का मुख्यमंत्री पूछ लेते हैं। अपन सोचते हैं अजमेर का कौन मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 जब विलय हुआ था, उस समय यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। कैसे, ये अपन कहानी आगे पढ़ेंगे। पहले अपन सप्तम चरण पूरा करते हैं, फिर ये कैसे हुआ इसका भी अपन पूरा जिक्र करेंगे। तो अजमेर का विलय यहाँ पर उस समय थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, उपाध्याय के नेतृत्व में, हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बन गया था। मतलब कांग्रेस यहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय बन गए मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का गठन किया किया मंत्रिमंडल के यहाँ पर गठन कर दिया। और 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, माउंट आबू, एक तो कौन सा क्षेत्र? माउंट आबू, माउंट आबू। और एक क्षेत्र अपन बोलते हैं अजमेर मेरवाड़ा, हमेशा जब अजमेर बोलते हैं तो साथ में अपन बोलते हैं मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया। तो मेन काम क्या किया? मिला दिया। ये हरिभाऊ उपाध्याय तो इसलिए बताया, क्वेश्चन आ रखा है अजमेर जब विलय हुआ था उस समय यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। और इस काम के अंदर, इस चरण के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था 1 नवंबर 1956, एक तो माउंट आबू पूरा पूरा मिला दिया, जो दे आबू था, पर आबू क्षेत्र था उसको भी राजस्थान के अंदर मिला दिया गया, फैजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया। एक नंबर माउंट आबू, अजमेर और मेरवाड़ा राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। फिर थोड़ा सा और परिवर्तन किया, कौन सा क्षेत्र परिवर्तन किया उसकी भी बात कर लेते हैं अपन।
एक तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मेज से मध्य प्रदेश और मेज से मंदसौर। मध्य प्रदेश का कौन सा, मंदसौर जिले का एक छोटा सा गांव है मानपुरा तहसील का, कौन सा, सुनेल ठप्पा। तो यहाँ लिखो मध्य प्रदेश। राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, जिला पूछे तो मंदसौर, और तहसील पूछे तो मानपुरा। और ये तो है जिला, मंदसौर का जिला है, और ये है तहसील। तहसील, और इस तहसील का एक छोटा सा गांव है कौन सा, सुनेल ठप्पा। सुनेल नीचे लिख लेता हूँ, चलो आपको दिख नहीं होगा, यहाँ लिखता अपन सुनेल ठप्पा। सुनेल टप्पा गांव है ये, इस गांव को राजस्थान में मिला है, तो मंदसौर का है जिला। राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, मंदसौर जिला है, मानपुरा तहसील है, और गांव का नाम है सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा को राजस्थान के अंदर मिला दिया गया, और राजस्थान का एक गांव है वो भी किसको दे दिया गया, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से अपने लिया है तो देना भी पड़ेगा, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी एक क्षेत्र दिया गया। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र दिया था, तो आपको पता है मध्य प्रदेश के साथ जिमा लगती है झालावाड़ की, झालावाड़। तो झालावाड़ का एक क्षेत्र है, झालावाड़ का कौन सा क्षेत्र है, झालावाड़ का सिरोज, क्या नाम है, सिरोज। ये सिरोज क्षेत्र किसको दे दिया गया, मध्य प्रदेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, ये सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, मिला दिया। तो एक एक गांव की अदला बदली हुई, सुनेल ठप्पा राजस्थान और सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश, ये इसके अंदर सिर्फ काम किए हुए तीन, आबू माउंट आबू क्षेत्र, अजमेर, मेरवाड़ा, और कौन सा, मध्य प्रदेश का सुनेल ठप्पा, और झालावाड़ का सिरोज मध्य प्रदेश में, ये इसके अंदर काम हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब ये काम हो गया, तो इसको आधिकारिक रूप से बोलते हैं अपन, आधिकारिक रूप से इसे राजस्थान के अंदर पद सृजित कर दिया, कौन सा, राज्यपाल का। पहले यहाँ पर राज्यपाल सृजित नहीं था, अपने पढ़ते आए हैं जी, महा प्रमुख, इस टाइप से पोस्ट आती रहती थी क्योंकि चेंज होते रहते थे, अपन जिस चरण का पढ़ा था उसी चरण के अनुसार भी वो चेंज हुए थे। अंतिम अपन ने पढ़ते हैं स्वयंमान सिंह द्वितीय, स्वयंमान सिंह द्वितीय राज प्रमुख थे, और इस राज प्रमुख को पद समाप्त करके यहाँ पर राज्यपाल पद सृजित कर दिया। तो लिखो राज्यपाल, राज्यपाल पद सृजित किया। और क्वेश्चन आ रखा है, बहुत बार आया है, गुरु मुखनियाल सिंह प्रथम कौन थे राज्यपाल राजस्थान के, तो गुरु मुख निहाल चंद, निहाल सिंह, चंद क्या, निहाल सिंह है। गुरु मुखनियाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए, और राजस्थान को किस श्रेणी के अंदर रखा गया, तो राज्य को ए श्रेणी के अंदर, ए श्रेणी, अलग अलग श्रेणियां बनाई गई, उस श्रेणी के अंदर राजस्थान को ए श्रेणी के अंदर रखा गया। और उस समय राजस्थान की कुल आबादी पूछ ले, जब राजस्थान बना 1 नवंबर 1956, तो कुल आबादी, क्वेश्चन आ रखा है कई बार, कुल आबादी थी अपनी 1.53 करोड़, 1.53 करोड़। जिस समय राजस्थान बना 1 नवंबर, उस समय राजस्थान की आबादी थी क्या, 153 करोड़। अगर इसकी वार्षिक आय पूछ ले अपन, वर्तमान में तो वार्षिक आय बहुत ज़्यादा है, उस समय सिर्फ कितने थी, 18 करोड़, कितने थी, 18 करोड़ ही वार्षिक आय थी। इस चरण के अंदर राजस्थान के अंदर आधिकारिक के राजस्थान नाम ही हो गया, आधिकारिक नाम तो छठे चरण के हुआ था, जिसने अपने अच्छी तरह पढ़ लिया था। फिर इस एकीकरण के अंदर कितना टाइम लगे अपन, एकीकरण तो अपन ने लगभग ये 4 क्लास के अंदर पूरा किया है, लेकिन राजस्थान जब एकीकरण हुआ 7 चरण के अंदर, तो कितना टाइम लिया था राजस्थान ने, उसकी बात करते अपन।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे अपन, जब ये 1 नवंबर 1956 से पहले की स्थिति क्या हुई थी। क्योंकि राजस्थान के अंदर आपको पता है चुनाव कब हुए थे, 1952 के अंदर ही चुनाव हो गए थे। और अजमेर मेरवाड़ा तो कब अस्तित्व आया था, 1956 का अस्तित्व। इसकी क्या क्या बनती है और कई बार इसका क्वेश्चन भी आ रखा है, उसकी अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर कितना टाइम लगा था, तो एकीकरण के अंदर टाइम कितना लगा था उसकी बात। एकीकरण समय, समय लगा था एकीकरण के 8 वर्ष लग गए थे। कितने वर्ष लगे गए, 8 वर्ष 7 माह लग गए और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन एकीकरण के अंदर टाइम लग गया। इस जब ये एकीकरण हो गया तो यहाँ से राजस्थान के अंदर आपको पता है जब संविधान निर्माण हुआ था तो राजस्थान के अंदर भी कुछ लोग गए थे संविधान निर्माण सभा के अंदर। तो क्वेश्चन आ रखा है राजस्थान के अंदर संविधान सभा के निर्माण, ये एकीकरण के अंदर ही पढ़ते हैं, इसका अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, एकीकरण के साथ में पढ़ा जाता है इसको। तो अपन बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण यानी संविधान सभा हुई थी, संविधान है ये, आपको कहीं टॉपिक नहीं मिलेंगे, मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ इसको। संविधान सभा में मेवाड़ से कौन गए थे और मारवाड़ से कौन गए थे। मेवाड़ से अपने गए थे टी राघवचारी, कौन गए थे मेवाड़ से जाने वाले व्यक्ति है टी राघवाचारी। ये तो गए थे अपने मेवाड़ से, ये तो मेवाड़ टी राघवाचारी, और एक व्यक्ति और साथ में लिख लेना माणिकलाल वर्मा। ये दो व्यक्ति कहाँ से गए थे, मेवाड़ से गए थे। एक तो नाम आता अपना टी राघवचारी और दूसरा नाम आता माणिकलाल वर्मा का। फिर अपन बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ से संविधान सभा के अंदर गए थे सी एस वेंकटाचारी और साथ के अंदर गए थे अपने जय नारायण व्यास। ये दो व्यक्ति गए थे अपने मारवाड़ से, भेजा गया था इन दोनों को संविधान सभा के अंदर। जो भारत के अंदर जो संविधान सभा इकट्ठी बनी थी संविधान बनाने के लिए, उस समय दो व्यक्ति राजस्थान से भी गए थे, एक टी राघवचार्य और एक वेंकटाचार्य, और दो साथ में व्यक्ति कौन है, माणिकलाल वर्मा। ये तो अपने वेंकटाचार्य और एक की बात करें तो ये पीएम पद पर आते हैं, पीएम पोस्ट पर, लेकिन साथ में अंदर ये राजनेता के रूप में माणिकलाल वर्मा और जयनारायण व्यास। फिर बात आते हैं, ये अपने पढ़ लिया था, ये दो पीएम यहाँ के लिख लेना, और वी टी कृष्णसारी मैंने आपको बता दिया कहाँ का है पीएम, जयपुर का पीएम था वी टी कृष्णाचार्य। फिर जब राजस्थान एकीकरण समाप्त हुआ तो सबसे पहले चुनाव हुए थे 1952, उस समय आती है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा, प्रथम विधानसभा के समय कितने सीटें थी, कितने सदस्य थे, तो 160 उस समय प्रथम विधानसभा के अंदर सदस्य थे। तो यहाँ लिखना आप, ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में प्रथम विधानसभा के में, प्रथम विधानसभा में 160 सदस्य थे। और प्रथम विधानसभा का अगर आपको पूछ ले चुनाव कब हुआ था, तो 4 से 24 जनवरी 1952 को अंदर भारत राजस्थान के अंदर प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब आप एक क्वेश्चन करोगे यहाँ से कि जब ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र 1956 के अंदर मिलाया गया तो उस समय क्या अजमेर मेरवाड़ा के अंदर चुनाव नहीं हुए, हुए थे, उस चुनाव अलग तरीके से किए गए थे, चुनाव अलग तरीके से किए थे। और क्वेश्चन यहीं से ही पुट पे होता है, कैसे अभी बताता हूँ आपको। राजस्थान के अंदर 160 विधानसभा सदस्य थी उस समय, 160 विधानसभा सदस्य थे, जिसके अंदर चुनाव मैंने बताया आपको 4 से 24 जनवरी 1952 को हुए थे। और यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, टीकाराम पालीवाल को बनाया गया, क्योंकि जयनारायण व्यास जब चुनाव हार गए तो वहाँ का मुख्यमंत्री अपन टीकाराम पालीवाल को बना दिया गया, तो टीकाराम पालीवाल जीत के आए थे। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे, इसके समय अजमेर मेरवाड़ा की बात करते हैं पहले, कि इसके समय 1952 के समय
अजमेर मेरवाड़ अस्तित्व में सिर्फ था लेकिन राजस्थान के अंदर विलय नहीं हुआ। अब राजस्थान के अंदर विलय नहीं है तो उसका आपको चुनाव कैसे कराओगे, क्योंकि वहां तो सीटें ही बुक नहीं है। तो क्या किया, 160 सीटें तो पूरे राजस्थान के अंदर दी और 30 सीटें अपन अजमेर मेरवाड़ा को अलग से दे दी। 30 सीटें क्या किसको दी, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को दे दी, अजमेर मेरवाड़ा को ये 30 सीटें दे दी। अब ये तो फिक्स था कि अजमेर राजस्थान के बीचों बीच आ जाता है, अजमेर राजस्थान के बीचों बीच आ जाता, तो ये तो पक्का था कि अजमेर मेरवाड़ा जब भी कभी मिलेगा किसके अंदर मिलेगा, राजस्थान के अंदर, क्यों बीच में तो रहेगा नहीं, क्यों अजमेर मेरवाड़ा बाद के अंदर राजस्थान के अंदर मिला गया था। तो इसको और अजमेर मेरवाड़ा को 30 सीटें दे दी और राजस्थान को 160 दे दी, 160 सीटें दे दी। और इस अजमेर मेरवाड़ा यानी इस 30 सीटों पर अलग से चुनाव कराए गए, इस 30 सदस्य मतलब ये 30 विधानसभा सदस्य, इसको मैं कहते हैं अपने विधानसभा सदस्य बोल सकते हैं, विधानसभा सदस्य, ये 30 सीटें विधानसभा सदस्य अलग से तो दे दी। फिर इसका चुनाव कराया गया, तो चुनाव विधानसभा का अलग से गठन किया गया, इस विधानसभा का 30 सदस्य पृथक विधानसभा का गठन किया गया। तो अपन लिख सकते हैं अजमेर, क्वेश्चन आ रखा है ये जरूर देखना, अजमेर मेरवाड़ा में 30 सदस्य पृथक विधानसभा का गठन किया। और अपन इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं हरिभा उपाध्याय को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया, आज समझ में आ गया होगा आपको, हरिभा उपाध्याय को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अजमेर का, अपने अभी पिछली क्लास के अंदर ही इसके अंदर पढ़ा था, जब राजस्थान के अंदर मिलाया तो मैंने आपको बताया था 1956 के अंदर यहाँ पर हरिभा उपाध्याय के अंदर नेतृत्व के अंदर सरकार थी, मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ये क्यों किया गया, जब 1952 के अंदर चुनाव तो हो गए, चुनाव हो गए तो गड़बड़ कहाँ हो गई 30 सदस्यों की, तो क्या गया यहाँ पर अलग से विधानसभा गठन कर दी गई 30 सदस्यों की। और इसे जिसे अपन इसी विधानसभा को अपन करें कहते हैं धारा सभा, जिसको एक नाम देते हैं अपन को, क्या नाम देते हैं, धारा सभा, जिसको क्या बोलते हैं, धारा सभा कहते हैं। तो धारा सभा क्या है, अजमेर के अंदर 30 विधानसभा सदस्य पृथक विधानसभा सदस्य है, उनको क्या कहा जाता था, धारा सभा कहा जाता है। फिर राजस्थान के अंदर विलय कर दिया 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान के अंदर ये विधानसभा सम्मिलित हो गई। और 1 नवंबर को राजस्थान के अंदर विधानसभा के कुल सदस्य कितने हो गए थे, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर विधानसभा 160 तो वो थी और 30 ये मिल गई तो 190 हो गए। तो राजस्थान के अंदर विधानसभा सदस्य कितने हो गए थे, दूसरी विधान जब चुनाव हुए थे दूसरी बार कब, तो 190 सदस्य हो गए थे। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। तो अपनी ये आज चीज़ पढ़ी थी, सातवां चरण दीप के अंदर पढ़ रहा था, पूरा एकीकरण समाप्त कर दिया था, सातों चरण एकदम इजी तरीके पढ़े अपन ने। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं ओल्ड पेपर के आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि 130 सदस्य, अपन जब एक क्वेश्चन रटते हैं कि राजस्थान प्रथम विधानसभा के समय सदस्य संख्या 160 थी, 60 तो थी लेकिन 30 विधानसभा अजमेर मेरवाड़ा अस्तित्व नहीं आया तो उसको दे दी, और इसी तो अपन कहते हैं धारा सभा। और क्वेश्चन क्या रखा है, धारा सभा के अंदर कितने विधानसभा सदस्य थी, तो 30, जो बाद के अंदर 1 नवंबर 1956 में जब ये अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के अंदर मिला दिया गया तो ये 30 सदस्य राजस्थान विधानसभा के अंदर भी सम्मिलित की गई, और टोटल विधानसभा सदस्य कितनी होगी, 190। और अपन बोलते हैं दूसरा जब कार्य राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ तो उसके अंदर सदस्य कितने थे, ये चीज़ अपन यहाँ से निकल के आती है। और इसी के साथ अपन समाप्त होता है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण के अंदर आप जरूर ध्यान रखना, एक तो पीएम, इन पीएमओ को जरूर याद रखना, क्योंकि पीएम के हर बार कहीं से कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएम के। अब अपन में एक सिंपल ट्रिक आपको पहले बताया, सिंपल ट्रिक से समझा देता हूँ कि क्या बनती है ट्रिक इसकी, और इस ट्रिक को कैसे अपन सोल्व करते हैं कि राजस्थान एकीकरण के समय ये जो शुरू के चार हैं वो याद थोड़ा कठिन रहते हैं, तो इनको याद करने का एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो क्या ट्रिक बनती है, अपन पहले बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक ऐसी कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने खुद के बनाई हुई है कि याद हो जाता है। तो सबसे पहले उद्घाटन करता की ट्रिक क्या होगी, तो पहला से अपन चार चरण के,
पहले का था एनवी गोडगिल, मैंने बताया तो एनवी गोडगिल, गोडगिल दो चार बार पढ़ोगे तो याद आए, गोडगिल पहले का, दूसरा का भी गोडगिल, गोडगिल गोडगिल। तीसरे के अंदर मैंने बताया आपको उद्घाटन कुंड जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं सभी लोग चाचा, चाचा जी आए दूसरे के अंदर, तो गोडगिल गोडगिल चाचा। और चौथे अंदर आप मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आए, तो पटेल, गोडगिल गोडगिल और गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, ये तो है उद्घाटन करते, उद्घाटन करता, थोड़ा इसको ध्यान रखना है, उद्घाटन करता वो गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, ये चार की थे उद्घाटन, और चारों के उद्घाटन हुआ था, इसके बाद कोई उद्घाटन नहीं हुआ था, तो अपन को सिर्फ चार ही उद्घाटन करता पढ़ना है, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, क्योंकि चौथे चरण के बाद ना तो कभी राज प्रमुख बना, ना महाराज प्रमुख, ना उपराज, कुछ नहीं बना, सिर्फ चौथे चरण तक ही ये व्यवस्था रखी गई, क्योंकि चौथे चरण के अंदर मैंने बताया राजस्थान का एकीकरण पूर्ण मान लिया गया, तो सिर्फ आपको सिर्फ चार ही पढ़ना है, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे चरण के अंदर, पहले चरण के अंदर उद्घाटन करता हो गया, इसके अंदर सिर्फ दूसरे अपन लिखते हैं राज प्रमुख, कौन सा पोस्ट है अबे, राज प्रमुख, राज प्रमुख की पहले के अंदर उदय भान सिंह धौलपुर का था, दूसरे के अंदर भीम सिंह कोटा का था, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको सिर्फ शासक याद करने पड़ेगा, राज प्रमुख उदय भान सिंह कहाँ का, धौलपुर का, राज प्रमुख दूसरे के अंदर भीम सिंह कहाँ का, कोटा का, तीसरे के अंदर मैंने बताया था आपको राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ का, और चौथे के अंदर राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बना दिया जयपुर का, जिस और ये जो तीसरे के अंदर राज प्रमुख भोपाल सिंह, इसको प्रमोट कर दिया का महाराज प्रमुख भोपाल सिंह के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हार्ड क्या रहेगा इसके अंदर, हार्ड रहेगा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे अपन, प्रधानमंत्री, क्योंकि क्वेश्चन कई बार प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री के अंदर पहले के अंदर आपको पता है शोभाराम कुमावत, तो पिछले कण सिर्फ नाम लिखे हुए कुमावत, कुमावत, शोभाराम कुमावत कहाँ का था, अलवर प्रजामंडल का नेता था शोभाराम कुर्जामंडल। दूसरे के अंदर अपने देखते हैं प्रधानमंत्री असावा, गोकुल भाई असावा, गोकुलाल असावा, गोकुल भाई असावा कहाँ का था, शाहपुरा का, ये दूसरे का था, और राजधानी बनी कोटा को। तीसरे की अपन बात करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री बताया माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा जो अपने संविधान सभा के अंदर उपस्थित होने वाला मेवाड़ सा प्रतिनिधि था। और चौथे चरण का प्रधानमंत्री अपने बोलते हैं हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री, तो चार प्रधानमंत्री बने थे कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, चारों पढ़ लो, कुमावत असावा, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, चार बार पांच बार पढ़ोगे तो ये एकदम याद हो जाएगा, कभी नहीं भूल रहे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, उद्घाटन करता और प्रधानमंत्री, हमेशा क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आती है डेट की, डेट आप भूल जाते हो तो अपन को डेट याद करने की मैं आपको एकदम और ट्रिक बता देता हूँ, डेट जो प्रथम चरण की जो डेट होती है, डेट सबकी डेट बताऊँगा कैसे, प्रथम की डेट आपको याद करनी पड़ेगी 17 मार्च, 17 मार्च 1948, 17 मार्च 1948 प्रथम की डेट है। दूसरे की डेट आती है अपन को कौन सी, 25 मार्च, 17 के बाद महीना भी वही है, सिर्फ टाइम देखो तारीख चेंज हुई है, 17 से 25 गए और साल भी वही है 48, साल भी वही है 48। तीसरे के अंदर कुछ नहीं करना है, 17 से 18 एक बढ़ा देना है, एक ही महीना बढ़ा देना है, टाइम ही एक, डेट भी एक बढ़ानी है और महीना भी एक ही बढ़ाना है, कौन सा, अप्रैल, और साल वही रखनी है, समझ में आ गया, तो तीन हो गए 48 का, 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948। पहले के अंदर एक तो जोड़ दिया, डेट के अंदर एक जोड़ना है महीने के अंदर, और साल अपन को वही रखनी है डेट, इसके बाद तीन चरण की डेट आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ के अंदर भी, जब भी डेट भूलोगे याद आ जाएगा अपना वीडियो सर ने क्या बताया था, 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948। तीन चरण की डेट पूरी हो गई, चरण चलते अपन चौथा, चौथा चरण की बात करेंगे अपन, चौथे चरण की डेट है अपने 30 मार्च, महीना कौन सा, वही है मार्च, और डेट साल चेंज हो जाती है 1949।
सिर्फ 30 मार्च 1949, तीन अलग पढ़नी है, इसको अलग पढ़नी है। 30 मार्च जब भी भूल जाओ तो याद करना महीना वही है, 30 मार्च हो गए, 30 मार्च हो गए। और पांचवे चरण की रिपोर्ट है 30 का आधा करो 15, 15 मई से मई और मई से ही एक महीना और मार्च आता है, मई से मार्च और मई से एक महीना और आता है, कौन सा मई आता है, दो से ही मई से आते हैं, एक तो मार्च एक मई, और साल कौन सी यही गुण 50 की। 30 का आडा गया 15, मार्च से मई से मार्च मई से मई और गुण 50 गुण 50। चौथा और पांचवा चरण पूरा हो गया डेट का, 30 मार्च 15 मई 1949। 3 48 2 50 याद रखना है ऐसे। 3 तो क्या थे 48 थे, 3 थे अपने 48 के अंदर कितनी डेट है 3, 3 में से एक कम है गुण 50 के अंदर कितनी डेट है 2, और चरण हो जाते अपने कितने 5 चरण हो जाते हैं, और छठा चरण आपको अच्छी तरह याद है 26 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 1950, एक 50 का और एक 56 का, एक नंबर 1956, एक नंबर 1956 चरण हो जाते हैं 7 पूरे, कैसे 3 48 2 50 1 50 1 56, ऐसे आप याद कर लेना, कभी भी डेट नहीं भूलोगे। उद्घाटन करता सिंपल गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, और प्रधानमंत्री कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, डेट 3 48 2 50 1 50 1 56। इसके साथ अपन होता है कौन सा एकीकरण का पूर्ण रूप से चैप्टर। अब ये एकीकरण आप भले कोई भी एग्जाम दो, छोटे से छोटा एग्जाम दो या बड़े से बड़ा एग्जाम दो, इस अब की बार अपन ने आर पार निकल गए एकीकरण के, एकीकरण का नहीं तो कोई क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, हर चीज़ लिखी है, इसके आपसे आगे एकीकरण कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके बाद एकीकरण, हर चीज़ बता दी मैंने आपको एकीकरण की, एकीकरण हर चीज़ बता दी, हो गए 7 चरण पूरे। और इस अब की बार एकीकरण का कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ एक बार एकीकरण के वीडियो देख लेना, कभी नहीं भूलोगे एकीकरण, हर क्वेश्चन सोल्व करके आओगे एकीकरण के। तो ये थी अपनी एकीकरण की पूरी क्लास, और जिसके अंदर मैंने एकीकरण का पूरा बता दिया है। तो अपन हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसके अंदर अपन नए राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक राजस्थान के अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताना, जो भी आपका डाउट हो क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट्स करना आपको आंसर, और इस वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उस पर भी आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो भेज सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।